मैंने पांच तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े के विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो और दूसरे को तुरंत दो जोड़े मिलते उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे दो जोड़े सौंपे थे, देख मैंने दो और कमाए। उसके स्वामी ने उसे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुम्हें बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, ये ध्यान रखा कि जहां मैंने नहीं बोला वहां से काटता हूं और जहां मैं नहीं छीपता वहां से बटोरता हूं। तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन व्यास में ले लेता, इसलिए वह थोड़ा उससे ले लो और जिसके पास दस तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, जिसके पास उसके पास बहुत हो जाए, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस रकमे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये परमेश्वर का जीवन वचन है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष का बरकत बनाए रखे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो प्रभु ने आज फिर सबू अपने पवित्र आत्मा के वसीले के नाल परमेश्वर अपने घर लैके आया है, ताकि असीं सब मिलके प्रभु की महिमा उसकी मुस्तत अपनी बढ़ाई करिए और वचन जो परमेश्वर बलो मेरा जा रहा है उसको सी ग्रहण करके अपने अपने घर तक पहुंचा सके, ताकि परमेश्वर की आशीष साढ़े घर तक पहुंच सके और परमेश्वर के वचन जो असी तीन जगह तो पढ़िया है, पहले कि असं वचन की बात नहीं है, मैं ये दसना चाहता हाँ कि जो इबादत का हिस्सा है वो तीन पार्ट है, तीन पार्ट है इबादत के जो है बंदगी के तीन पार्ट है। पहला हिस्सा जो है वो आराधना का है और दूसरा वचन का है, तीसरा बरकत का है। अगर असी तिन्हें अटेंड करके अनंत का प्रमाण देखा तो परमेश्वर सानू बहुत सारी बरकत दिंदा है, बहुत सारी आशीष मिलती है, बहुत सारी बरकत मिलती है। और जो आज का वचन है, आज का जो वचन जो तीन जगह को पढ़ा गया है, जिसका जो थीम है, जिसका जो विषय है वो है कि गॉड